फाइव होली चाइल्ड इंग्लिश ग्रामर वर्कशीट फोर्टीन पॉजिटिव एक्जेक्टिव एंड प्रोनाउंस अ पॉजिटिव एडजेक्टिव कम्स बिफोर अनाउन तो पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है एंड अ पॉजिटिव प्रोनाउन कम्स आफ्टर अनाउन ये नाउन के बाद में आता है तो नाउन से पहले क्या आता है पॉजिटिव एजेक्टिव तो जैसे कि नंबर वन आइडेंटिफाई वेदर द अंडरलाइन वर्ड ऑफ पॉजिटिव एक्जेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन्स आपको बताना है ये अंडरलाइन वर्ड पॉजिटिव एग्जेक्टिव है कि प्रोनाउन है आपका तो हर्ष हर्ष आपका बुक के बाद आया है बुक तो नाउन है नाउन के बाद आने से क्या होता है पॉजिटिव प्रोनाउन होता है शी सेज इट इज माइन यहां पर आपका नाउन इट है इट इज माइन मेरा है है ना इसमें भी आपका नाउन के बाद आया तो दोनों ही पॉजिटिव प्रोनाउन है अच्छा वॉट इज हिज नेम उसका नाम क्या है तो नेम आपका नाउन है नाउन से पहले आपका हिज आया है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया है इस तरीके से ध्यान से आप करोगे इसको नंबर टू इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट पॉजिटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउंस तो पॉजिटिव तो एडजेक्टिव या प्रोनाउंस आपको भरना है देखो एजेक्ट पॉजिटिव एजेक्टिव प्रोनाउंस दोनों ही एक ही जैसे होते हैं लेकिन फर्क यही होता है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव बिफोर नाउन नाउन से पहले आता है और पॉजिटिव प्रोनाउन नाउन के बाद में आता है सो हैव डैश विजिटेड द न्यू मॉल हैव यू विजिटेड द न्यू मॉल डैश शैल पुट ऑन डैश शर्ट एज डैश हैज गॉन फॉर वॉशिंग आई शैल पुट ऑन माई शर्ट as ना ये गड़बड़ हो जाएगा आई शैल इसमें कई सारे हो सकते हैं जैसे कि एक हो सकता है आई शैल पुट ऑन योर शर्ट एज mine हैज गॉन फॉर वॉशिंग मैं तुम्हारा शर्ट पहन लूंगा क्योंकि मेरा माइन हैज गॉन फॉर वॉशिंग मेरा धुलने गया है ठीक है ना जो भी पुट करोगे उसका मतलब सही होना चाहिए ये दोनों को ही आप कॉपी में करोगे आप नेक्स्ट एजेक्टिव इन सिमिलीज एजेक्टिव आर ऑफन यूज इन सिमिलीज सिमिलीज पेंट अ क्लियर पिक्चर बाय शोइंग हाउ वन थिंग इज लाइक समथिंग एल्स सिमिल सिमिलीज क्या होता है भाई किसी एक चीज को दूसरे चीज के जैसे बताना या उसके साथ कंपेयर करना जैसे कि एज कोल्ड एज आइस मतलब बर्फ जैसा ठंडा बोलते है ना सर्दी में ओह माय हैंड्स आर एज कोल्ड एज आइस मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हैं तो इसमें हाथों का तुलना हम बर्फ के साथ कर रहे हैं ना एज ओल्ड एज द हिल्स एज फ्लैट एज अ पैनकेक तो ये सारे ही सिमिलीज हैं नंबर वन वेरी सिंपल सर्कल द सिमिल इन ईच सेंटेंस इसको बुक में कर लेना आप नंबर टू कंप्लीट दिस सिमिली यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स तो सिमिलीज बॉक्स में से आपको चूज करके आपको यहां भरना है इसको भी आप कॉपी में करोगे नंबर थ्री राइट सम सिमिलीज ऑफ योर ओन ये थोड़ा सा आपके लिए मेहनत वाला काम है इसको एक बार सोच के करना जितने कर सको आप ठीक है ना कोशिश करना एक बार ठीक है कोशिश करना होगा देखो तो वन वाला बुक में ही करना आप एक काम करना आप अभी तो लिखने का काम कम ही कर रहे हो आप इसका सारे क्वेश्चन आप कॉपी में करना फोर वाला करने की जरूरत नहीं है तो इसके वन टू वर्कशीट फोर्टीन का वन टू और वर्कशीट फिफ्टीन के सारे ये आप कॉपी में करके भेजोगे क्योंकि तो बुक में तो शायद से आपके करवा दिया होगा जो भी है यू डू दिस इन योर नोटबुक एंड सेंड मी द पिक्स